नोएडा से बड़ी खबर, यहां एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। थाना सेक्टर 39 का मामला, पुलिस और साइबर टीम को यह सफलता मिली है। 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 18 लैपटॉप, 4 गाड़ियां और 17 हेडफोन बरामद किए गए हैं। इनके पास से विदेशी लोगों को ये ठगी करते थे, गिफ्ट कार्ड के यूनिक कोड के बहाने पैसे ट्रांसफर किया करते थे। तकनीकी खामी दूर करने के नाम पर 100 से $500 तक लिया करते थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस और साइबर टीम को यह सफलता मिली है। लोग का जो सर्वर बना होता है वो इंटरनेट के माध्यम से कॉल करता है। इनके पास रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी नहीं थे और उसके बाद जब कॉल आते हैं तो ये लोग अपने जो 14 लोग हैं यहाँ पर एक एक कर कॉल पर बात करते हैं और उसके बाद अमेजोन या ईबे के गिफ्ट कार्ड जो होते हैं उनके माध्यम से पेमेंट मांगते हैं। तो ये लोग $50, $100 जितना नेगोशिएट जिससे हो जाए उस हिसाब से पेमेंट मांगते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए और उस पर्सन का रिमोट एक्सेस भी लेते हैं। कुछ उसी तरीके से ये गिफ्ट कार्ड होते हैं और गिफ्ट कार्ड में एक यूनिक 12-14 डिजिट का कोड होता है। जैसे ही उसको ये लोग एंटर करते हैं तुरंत ही पैसे डेबिट हो जाते हैं और जैसे ही पैसे डेबिट हो जाते हैं ये लोग कॉल को डिस्कनेक्ट करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, इस कॉल सेंटर के बारे में बताएं कि ये कैसे काम कर रहा था, कहां से काम कर रहा था और क्या इसके संचालन के पीछे का आदमी पकड़ा गया? देखिए, आपको बता दें सेक्टर 108 में ये संचालित था, एक कॉमर्शियल प्लाजा में, और पुलिस को सूचना मिली उसके बाद कार्रवाई करते हुए इस नेक्सस का भंडाफोड़ किया। देखिए, ये बहुत अहम हो जाता है कि यहाँ पर बैठे लोग विदेश में लोगों को निशाना बनाते थे, उनके साथ ठगी करते थे और करोड़ों रुपए की ठगी। ठगी का मॉडस ऑपरेंडी अगर समझे तो वो शुरुआती तौर में डेटा इकट्ठा करते थे, डेटा के माध्यम से यहाँ पर ईमेल ब्लास्ट कराते थे उनके कंप्यूटर सिस्टम पे और उसके बाद जो ईमेल ब्लास्ट का रिप्लाई या रिवर्ट बैक करता था उसको ये जानकारी देते थे कि आपके सिस्टम में दिक्कत है और उस दिक्कत के एवज में उनकी मिररिंग करते थे स्क्रीन की और उसके बाद उस सिस्टम को हैक करते थे और उसके बाद पूरी ठगी को अंजाम देते थे। इसमें उनको स्क्रैच कार्ड का लालच भी दिया जाता था कि आपको कूपन दिया जा रहा है, तमाम तरीके के जो कूपन से स्क्रैच कार्ड में, और उसी माध्यम से ये ठगी किया करते थे। इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया है, कई कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, राउटर और इसके अलावा कई लोग इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किए गए। एक बड़ी सफलता मिली है क्योंकि विदेश में बैठे लोगों को ये यहाँ पर झांसा देकर ठगी कर रहे थे। और ये जानना जरूरी है कि ये नेटवर्क, ये नेक्सस कितना बड़ा है और उसकी जड़ तक पहुंचने की भी कोशिश करनी होगी। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर गाजियाबाद में एक शख्स से 13 लाख रुपए की ठगी हुई। नंदग्राम थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से तकरीबन 13 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के मुताबिक पीड़िता को वीडियो कॉल कर कहा गया कि आपके बच्चे को पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है, अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहती हैं तो 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए तो आपके बच्चे को जेल नहीं जाना पड़ेगा और अगर आप पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं तो बच्चे को जेल जाना पड़ेगा। इस कॉल के बाद पीड़ित घबरा गया और उसने तुरंत ही 12,70,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने जब अपने बेटे को कॉल किया तो ठगी का ये सच सामने आया। वो एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है और जो DP लगी हुई थी उस पर, जो वीडियो कॉल से उस पर जो है वर्दी में जो है फोटो लगी हुई थी, तो उनको ये लगा कहीं पुलिस से फोन आया है और इन्होंने वीडियो कॉल जब उठाया तो उनको बताया गया कि उनका लड़का जो है कहीं रेप में जो है फंस गया है और उसको बचाने के लिए जो है आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 15 लाख रुपए की डिमांड की गई जिसमें इन्होंने साइबर थाने को सूचना दी, तत्काल हम उन्होंने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसके अलावा फिर मैंने संबंधित बैंकों को मेल भी करा दिया गया है और उम्मीद है कि वो पैसा जो है काफ़ी मात्रा में होल्ड हुआ होगा। इधर कुशीनगर में बच्ची के साथ दुष्कर्म में एक बड़ा एक्शन हुआ। इस मामले में नाबालिग से दुष्कर्म करने की मामले में जांच में लापरवाही बरतने पर SP ने थानाध्यक्ष को हटाया। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। घटना के बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया और इस मामले में ने जब तूल पकड़ा तब पुलिस एक्टिव हुई और 4 फरवरी का ये मामला है। फिलहाल आरोपी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जा रहा है। थाना रामकोला अंतर्गत एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित होने के संबंध में थाना स्थानीय पर धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई
प्रचलित है। इधर कौशाम्बी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इमामगंज जीटी रोड के पास एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक से 9 बोरी में 1.5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि गैंग का मुख्य सरगना फरार है, उसकी तलाश चल रही है। बरामद गांजे की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक सटीक और विश्वसनीय सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष संदीपन घाट और उनकी टीम ने जो जीटी रोड है उस पर चेकिंग किया बैरियर लगा करके और एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। उस ट्रक में मैंगनीज भरी हुई थी और उसके बीच में स्थान बना करके 150 किलोग्राम गांजा, 1.5 क्विंटल गांजा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, उसे बरामद किया गया। मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अभियुक्त महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गाड़ी भी महाराष्ट्र की रहने वाली है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।